सारी सब्जियां निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, मेरे हाथ गंदे। अच्छा बैठो तो सही। आज क्या किया था स्कूल में आपने? पढ़ाई की है, एबीसी। एबीसी में पढ़ाई की थी? कार्ड। किसने दिया ये कार्ड? ये मुझे टीचर ने। आयत साजिद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। आयत, आप इतनी प्यारी लग। मेरे नाम लिखे। और आज मैंने निकाली अपनी ये वाली ड्रेस। ट्राउजर इसके साथ स्टिच नहीं कराया था, मैंने सोचा था ब्लैक पजामा पहनूं, लेकिन ट्राउजर मुझे लगता अच्छा लगेगा क्योंकि ये पूरा ना नीचे इसकी लेंथ जो है ना पाँव तक नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इस वजह से ये ट्राउजर मैंने सोचा इसके साथ अच्छा लगेगा। बाकी इसके साथ ब्लैक दुपट्टा भी है, रेड भी है, जो भी मैचिंग में होगा। ऐसे सिर्फ ये एक ही अम्ब्रेला बनवाया था। इसे मैं फ्रेश होकर आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अभी हम तैयार हो गए हैं। आज हमारे घर पे ना रोज़ा इफ्तार नहीं है, आज जो मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है वहाँ पर हम रोज़ा इफ्तार करने वाले हैं। आज है कौसर की तरफ से, और दो घंटे पहले यहाँ से कौसर अपने घर चली गई थी। अनीता को भी मैंने साथ में भेज दिया था कि वो उनकी हेल्प करेंगी। तो जब से उनका घर सेट हुआ ना, तब से मेरे हस्बैंड भी और कौसर बोल रहे हैं कि एक दिन ना रोज़ा हम वहाँ पर इफ्तार कराएंगे। तो इस वजह से ना आज घर पर कुछ भी नहीं बना, आज सब कुछ वहीं बन रहा है। तो इतनी देर में वहाँ पर वो सारी तैयारियाँ कर रहे थे, बच्चे ट्यूशन गए थे, अभी बच्चे भी वापस आ गए, तो चलो चलते हैं। और देखो आज मौसम कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना इस टाइम पे, वरना जब मैं आती हूँ ना रोज़ यहाँ पर ना सूरज की लाइट पड़ रही होती है, और आज देखो बादलों में ना सूरज छुपा हुआ है, धूप नहीं है, हवा चलती रही, आज मौसम प्यारा था। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 9वां रोज़ा, अभी तो अच्छे से जा रहा है। चले रेडी हो? के अलावा मैंने निकाला है आयत के लिए, बोला आयत कहाँ गई? आ रही हूँ। और आयत नीचे है? हमारा घर कैसा खाली खाली हुआ है ना, कोई भी नहीं है नीचे। और ये देखो आयत के काम, टैडी कैसे यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। मिस करोगी फिर? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो। हाँ रेडी हो ना, फिर आ जाओ। रेडी हो? चलो फिर आ जाओ। चले बाकी तो रेडी हो, बाकी तो आप रेडी हो, अभी तो ट्यूशन से पढ़ के आई हो क्या? आयत की तो फ्रॉक बहुत प्यारी है, तो क्यूटी क्यूटी लग रही है। मैंने भी फ्रॉक पहनी है, देखो लड़ाई की है उससे क्या लगता है? ऐसे ही है। हाँ जब लड़ाई होती है फिर ये करती है उसके साथ। अब ठीक है, डॉल लग रही है हमारी आयत। क्या हो फिर? मैं गर्ल हूँ। अच्छा मैं क्यों बोल रही थी? आप बॉय हो, मैं गर्ल हूँ। आप बॉय? अच्छा ठीक है, अभी आप रेडी हो? चले आयत, मम्मा गाड़ी ड्राइव करे। हाँ। चल बच्चों आ जाओ, आज मैं सबको मैं लेकर जाने वाली हूँ। अभी बैठो बस, बिस्मिल्लाह करते हैं और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। देखो जब से मैंने इसको रखा है ना, फिर मैंने उठाया नहीं है, यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसको मैं इधर ग्लू से चिपका दूंगी। तो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ से आओ, सबसे एंड में ना इसको जबरदस्ती उठाना पड़ता है इस लड़के को। मम्मा लेकर जा रही है गाड़ी। मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तो कहते हैं मम्मा किस टाइम तक वापस आएंगी। जाने दे, जाने दे, जाने दे। सही है, सही है, सही है। बस बस बंद कर लेता हूँ तो फिर हम चलते हैं। चलें जी, रास्ता तो आपने बताना। और बच्चे देखो, बच्चे आपकी मम्मा गाड़ी चला रही है, कैसा? चले जी हम रोड पर सीधे हो गए। और अफ्तारी में कितना टाइम रहता है? अफ्तारी में तो आधा घंटा रहता है, भगा के रखे थोड़ा। बिल्कुल सही जा रही है। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। अभी हम ऊपर टॉप पर आ गए, अभी आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। सीधा 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 सीधा, सही मैंने टाइम जी। की घर जा रहे की कहा? अब मुझे याद रहती है कि की हमेशा उठा कर निकलना। टाइप कर गया कि मम्मा आपने तो मेरी सोच से काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। अंदर आ जाओ, इसको भूल गए थे। वो जो वो दूर दूर पहाड़ नहीं है उधर जाएंगे, बड़ा पहाड़ इस पे जाते हैं रोजा खोलने। हाँ वाओ। और ये देखो ये फूल लगाए पापा ने यहाँ पर। हाँ जी, छोटा तो सारा दस्तरखान भी लगा हुआ है। बड़ा तो लाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नौवां रोजा मुबारक हो।
हमारा दस्तरखान सब कुछ सजा लिया है। आज बन रहा है पकौड़े, बन रहे आज हमारा तो। अच्छा मीठा बन रहा है, ये देखो मीठा भी बन रहा है। कौशल ने देखो अपने घर में पहली बार आकर मीठा सबसे पहले बना है। सूजी का हलवा बन रहा है। हाँ। सूजी का हलवा, हलवा है क्या? ऐसा टाइम भी रहता है। पका लिए कौशल के घर, हम सब बोलते हैं ना कौशल, तो ये सीख गई है कौशल। अभी आप कैसे आए? हाँ वैन पे आए, वैन पे आए, वैन पे थे। इस साइड पर देखो माशाल्लाह से दस्तरखान लगा हुआ है। यहाँ पर टेबल होती है ना, बीच में टेबल हटा लिए तो आराम से हम सब यहाँ पर आ जाएंगे और काफी अच्छा लग रहा है। चलो दिन का टाइम है ना, अभी 10-15 मिनट रहते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सब्जियाँ। इस साइड पर पीछे उगाई हुई है जो सब्जियाँ, माशाल्लाह। आयो तो उधर नहीं जाओ, ये है हमारी वेजिटेबल। पैसे कहाँ से आए इसमें, जमीन में पैसे उगेंगे तो फिर तोड़ना। हाँ पिछली बार इसको एक सिक्का मिला था यहाँ से। कहाँ तक कवर कर लेते ना, यहाँ एंड तक। वो कपड़ा नहीं था ना, अभी लेके आएंगे। कपड़ा लगा दिया। और ये क्या लगा है, ये सरी है? अच्छा मुझे लगा ऐसे पतली पतली लकड़ियाँ हैं तो ये लोहा है। टुकड़े ले आए थे नीचे। पूरा लगा देते ना, पूरा कवर हो जाता। तेबा को कैसा लगा यहाँ कर, अच्छा लगता है ना? ये किस चीज की है, टमाटर है? ये टमाटर और मिर्ची है। ये देखो ये नहीं कर रही है, ये जो सब्जियाँ बीज अंदर लगाए थे वो है लोबिया। लोबिया का है, देसी लोबिया है। कद्दू है, भिंडी है, करेले हैं, सारी सब्जियां निकल रही हैं। वो इतना अच्छा लग रहा है, मुस्तफा इतना आगे चला गया, मुस्तफा रोजा खुलने वाला है। यहाँ पर तो आपकी सब्जियां अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं। वापस आ जाओ जल्दी से, रोजा खुलने वाला है। घर के पास है बिल्कुल, वॉक करके भी जा सकते हैं यहाँ से। इस साइड पर ऐसे घर बने हुए हैं और ये पूरा ना वहाँ से लेकर ये चारों तरफ ना सारे बिल्डिंग के घर है, एक ही लाइन में वो एंड तक सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और बैंगलोर जो है ना सारे नीचे बने, आगे हैं बैंगलोर लेकिन इस साइड पर एंड में ना फ्लाइटें बनी हुई हैं। सारे बिल्डिंग वाले हैं ना, इन सब को जो है ना खुला माहौल मिला हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी इस साइड पर तो आगे बनेंगे, पता नहीं कब बने। परिंदों की आवाज़ इतना अच्छी लग रही है। और ये देखो हम रोड पर आ गए, इतना सुकून है ना यहाँ पर, इतना बड़ा देखो खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे सिर्फ हम ही घूम रहे हैं। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, मतलब कभी भी दिल करता है चाय बनाने का, बाहर ऐसे आग जलाने का, कुछ भी खाना वाना बनाने का। तो ये देखो काफी खुला और काफी बड़ा है। अच्छा पहाड़ को टच करने के लिए जा रहे थे इतना दूर, पीछे ना रोजा खुल जाना था। चलो चलो रोजा खुलने के बाद हम चले जाएंगे। मम्मा मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्रिकेट स्टेडियम नहीं लग रहा। हाँ जी वो तो लग रहा है, लग रहा है ना क्रिकेट स्टेडियम पूरा, जैसा ग्राउंड नहीं होता क्रिकेट का। जी तो मैं आ गई हूँ ना वापस आपके लिए। ये पर्दा खत्म हो गया था तो इस साइड पर ये सारी इस तरह की ना तार लगी हुई है, तो इस साइड पर दोबारा भी पर्दा लगाएंगे। पर क्या हो रहा है, हलवा बन गया जी? पकौड़े बन रहे हैं बस, एंड में पकौड़े रह गए। मैं कुकिंग भी करते रहो और यहाँ से व्यू भी देखो, देखने का है प्यारा सा। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना सब घर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी ना तो बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कौशल ने बनाया सूजी का हलवा और इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाले, फिर रोजा खुलेगा तो हम टेस्ट करेंगे। तेबा का आज लैंप ले आते ना, भूल गए, घर से लैंप ले आते, अपनी गाड़ी की ड्राइविंग की खुशी में ना भूल गई, मैंने सोचा था लैंप ले चलेंगे। ये दस्तरखान अभी लिया था, कब लाए, कब लिया दस्तरखान? अच्छा वहीं गांव से ही लिया था उधर ही। अच्छा मैंने कहा आज लिया शायद, ये अभी बर्तनों में मुझे लगा लिया था, पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, नया लग रहा है। हाँ, सोच रही थी कि दस्तरखान पता नहीं है या नहीं है वरना ले चलूं। दुआ मांग लूंगी तो रोजा खुल जाएगा। बाहर इधर से सुन लेता हूँ, आ गया हूँ अजान की आवाज सुनने, जैसे अजान की आवाज आएगी मस्जिद अंदर भाग जाऊंगी। गाइस अजान हो रही है, नए बर्तन है ना, चम्मच कैसे चमक रहे हैं। हर जी
दूध दूध चाहिए, फीडर आपका यहाँ नहीं लेकर। हमारा इफ्तार हो गया, बाकी सब खा लिया, अभी एंड में खाने वाले हैं। जो कौशल ने मीठा बनाया वो सब ट्राई करेंगे। मीठे से शुरुआत, अभी सब मीठा खा के बताएं कि मीठा कैसा बनाया। अल्लाह पाक ने इस घर में ऐसे मीठे की तरह ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अच्छा, अभी कौशल कह रही थी कि मीठा पता नहीं मैंने ज्यादा ना डाल दिया या कम ना हो, पूरा पूरा ही मीठा मजे का बना। घर में वैसे भी इस चीज लाजमी बनती है। हाँ, कौशल के घर में सूजी का हलवा वैसे ज्यादा खाया जाता है। मैं भी काफी टाइम से सुनता रहा जब से मिश्राबाद शिफ्ट हुए, क्योंकि नए पे नए घर हैं, तो मैंने सुना नए घर में मीठा बनाना चाहिए। तो अभी मैं नए घर मीठा बनाने से घर में ना खुशियाँ आती। अल्लाह ताला हमारे घर को आपने बहुत अच्छा बनाना है, हमारे सारी खुशियाँ हमें ही आपने अता करनी है। और आमीन सुम आमीन, इस घर में सारी की सारी अच्छी चीजों की तौफीक दीजिएगा। मैं आमीन चलेगा। हमने इफ्तार कर लिया, मुस्तफा की अभी एकेडमी का टाइम हो रहा है तो इसको आज मैं छोड़ने जा रही हूँ। पापा कह रहे हैं रात का टाइम और अकेले नहीं, तो खोलो, बाहर से बंद किया हुआ है। और ये रहा चांद, चांद तो ब्लर हो रहा है, चांद ब्लर हो रहा है क्योंकि बादल आए हुए हैं। आप क्यों नहीं लगाते सीट बेल्ट? मैं नहीं लगाता हूँ। नहीं, मैंने हमेशा आपको देखा बगैर सीट बेल्ट के बैठे होते। यहाँ से तकरीबन कितना दूर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के फासले पर है और अभी हम ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अम्मा अभी यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, तो चलो चलते हैं। गाइस सो गई, नींद आ गई है। बाय 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 मामा का शहजादा, 2 घंटे तक वापस आएंगे। ओके, बस सही लगाइए गाड़ी। नहीं तो बर्तन धो रही है, चलें बस। मैं गाड़ी से बाहर निकलती हूँ ना, सबसे पहले मैं गाड़ी की चाबी उठाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन गाड़ी ड्राइव करते हुए ना कि अपनी जिम्मेदारी पर है, तो चाबी मैं पहले उठा लेती हूँ। हम वापस आ गए, दरवाजा खोलो, पहुंच गए हम। आ गए। तैयबा क्या कर रहे बीबी, क्या मोबाइल देख रही हो? इधर सोना है, ठीक है। अनीता ने तो किचन चमका दिया, यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए, देख लो। हाँ ये कमाल है, और चाय भी साथ में पक गई है। रे वाह, मैंने कहा वो आएगी तो फिर चाय पिएगी, मैंने सोचा घर वापस जाकर फिर हम चाय पियेंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा रमजान का फिर गुजर जाएगा, फिर बकरा ईद। घर की सारी लाइटें भी बंद कर दो, विंडो भी, पीछे वाला ये दरवाजा भी चेक कर लेते हैं। ये वाला बंद है, चलो अभी हम जा रहे हैं। कौन सी साइड पर? सीधा सीधा ये इधर लेफ्ट पे ये चला रही हूँ कौशल गाड़ी। सही है। हाँ, अभी मैं आज के दिन में मैं 3री दफा गाड़ी लेकर जा रही हूँ, काफी सारे राउंड लग गए। वही भी मैंने आपको इतनी मेहनत की है, लेकर जाने दो। कहाँ पे गाड़ी खड़ी करूँ? प्लाट में ले चलो, सामने प्लाट। बस वहाँ अनीता टिक्की में कहीं सो तो नहीं गई? लगता है नींद आ गई है। भूल गई कौशल ने पहना भी नया जोड़ा है, इतना अच्छा कलर प्यारा लग रहा है कौशल की। बचे हुए कपड़े जो टेलर के पास थे आज वो भी आ गए हैं। इस सूट को देख के ना अम्मी की याद आ गई, अम्मी का और मेरा सेम था। एक इसमें ये मेरा था और एक ये वाला भी इसमें मेरा है। तीनों सूट सिल गए नहीं तक ये। तीसरा ये हो गया तीसरा सूट। इसका गला देखो कितना प्यारा बना कर दिया, साथ में देखो पाइपिंग भी लगा कर दी इतनी अच्छे से, लग तो अच्छा रहा है। अपने ऊपर रखो, अच्छा बना है ना, है ना। ये इसके साथ का बटन वटन लगा कर सब अच्छा बना कर दिए। ये वाला भी देखो अच्छा लग रहा है, दुपट्टे इधर ही रखे थे घर पे। और यहाँ पर देखो मैंने सारे कपड़ों को अपने हैंगर में लगा दिए, अभी जाकर मैं इनको हैंग करने वाली हूँ। इसके साथ मैंने अपना एक सेम ऐसा वाइट लिया था जैसा ये है, और इसके स्लीव्स पे देखो ऐसी लेस लगा कर दी है, और सेम नीचे भी है। नीचे भी ना ऐसे दामन पे ऐसी सेम लेस लगाई है जैसे ऊपर स्लीव्स पे लगाई है। और बाकी इसके अलावा एंड में रह गया हमारा ये वाइट, इसका बस दुपट्टा दिया, सूट तक नहीं सिला। दुपट्टे पे देखो इस तरीके की पीको करा कर दिए ये इस तरह की। इन सबको जाकर मैं अपना हैंग कर लेती हूँ। अब हमें टेलर अच्छा मिल गया ना, टाइम पे सारे कपड़े बना कर दे देता है। इस ऑरेंज को अभी तक मैंने नहीं पहना, तो चलो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने हैंग कर लिए। एक ही बस इसमें मुस्तफ़ा का सूट लगा हुआ है, बाकी सारे इसमें मेरे ही लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो ऐग को नींद आ गई है, इस साइड पर तैयबा ने मेरे साथ जगह बनाई है, और ऊपर ये रहा मुन्ना। मैं कमरा बना रहा हूँ। मुस्तफ़ा भी कहता है बस मेरा रूम खाली करो, मुझे अलग रूम चाहिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। वैसे सुबह बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, लेकिन शहरी के टाइम तो उठना है। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, अभी मैं भी जाकर रेस्ट करती हूँ, और अभी मैं भी सोती हूँ। कल किस चीज़ की छुट्टी मिली है मुस्तफ़ा?
अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।